मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है एबल हैजू हब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सोनू कुमार, फैकल्टी ऑफ बोटनी। हम बात कर रहे हैं अपने फियोफाइसी के एक्टोकार्पस के ऊपर। हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी का। हमने जनरल करेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था कि फियोफाइसी क्लास के बारे में जनरल करेक्टर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम बातें थी वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन अब पढ़ रहे हैं फियोफाइसी क्लास का एक सदस्य है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोकार्पस के नाम से जाना जाता है। यानी फियोफाइसी सदस्य का एक सदस्य है जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोकार्पस के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं एक्टोकार्पस की पहले डिवीजन की बात करेंगे कि एक्टोकार्पस है वो उसका डिवीजन कैसे होगा। यानी सिंथेटिक पोजिशन के ऊपर बात करें तो इनके डिवीजन पे चलते हैं, तो इनका डिवीजन है वो कैसे दिखाई देगा हमें, थेलोफाइटा जैसा दिखाई देगा। कैसा होगा, थेलोफाइटा। यानी इसका जो थैलस होगा, सेल्स की संरचना है वो कैसी बनती है, थेलोफाइटा नुमा बनती है। यानी डिवीजन मतलब विभाग के बारे में हम है वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका सब डिवीजन देखेंगे, यानी उप विभाग के बारे में बात है वो करेंगे। क्या करेंगे, इसकी उप विभाग के बारे में बातें करेंगे, यानी इसका सब डिवीजन। सब डिवीजन के ऊपर बात करें तो इसका थेलोफाइटा का सब डिवीजन होता है वो कैसा होगा हमारा, सेवाल होगा। कैसा होगा, सेवाल होगा। यानी डिवीजन है वो क्या है हमारा, थेलोफाइटा है। सब डिवीजन है वो सेवाल है। इसके बाद में हमारे पास आता है इसका वर्ग, यानी कि क्लास। इसकी क्लास क्या क्या होगी, तो क्लास के ऊपर बात करें तो क्लास हमें दिखाई दे रही, इसकी क्लास होती है वो कैसी होती है, फियोफाइसी होती है। कैसी होती है, कि इसकी क्लास है वो फियोफाइसी होगी, ठीक है। तो क्लास हमें दिख गई फियोफाइसी है, सब डिवीजन सेवाल है, डिवीजन है वो हमारा थेलोफाइटा है। इसके बाद में हम इसके गण के ऊपर बात करें तो यानी कि ऑर्डर के ऊपर देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टोटल मिलाकर इसके गण की बात करें कि ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ऑर्डर होता है वो होता है एक्टोकार्पेलस। क्या होगा, एक्टो, एक्टो तो होगा ही लेकिन कार्पेलस। इसका जो ऑर्डर है यानी गण है एक्टोकार्पस का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टोकार्पेलस। एक्टोकार्पेलस, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसकी फैमिली यानी कुल के ऊपर बात करें, फैमिली क्या होगी, तो देखिए हमें पता है फैमिली के बाद में हमें देखना है इसका जीन, यानी कि वंश के बारे में देखेंगे कि इसका वंश क्या है, जीन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए हमें बात करनी है जीन के ऊपर और वंश के ऊपर, फैमिली के बारे में बात करनी है और जीन के ऊपर बात करनी है। जीन तो हमें पता है इसका जीन होता है वो क्या है, एक्टोकार्पस है। कौन सा है, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस जीन है। गण है हमारे पास एक्टोकार्पेलस, ठीक है। अब एक्टोकार्पस से हमें क्या करनी है, इसकी फैमिली के बारे में देखना है। तो हमें पता है कि हमेशा ही एसी लगाते ही हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी फैमिली आ जाती है। जैसे हमारे पास एक्टोकार्पस है, इसके बाद में हम देखिए क्या लगाएं, एक्टोकार्पस, ये तो है हमारा ये नॉर्मल, ठीक है। अब इसके कुल के बारे में यानी फैमिली के बारे में बात करना है तो हमें क्या लगाना होगा, एक्टो एसी लगाना है लास्ट में, बस और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, एसी का मतलब कि एक्टोकार्पेसी बन गई इसकी फैमिली। तो हमेशा याद रखना, जीन से फैमिली बनाएं या फैमिली से जीन बनाते हैं तो हमेशा ही फैमिली यानी कुल के लास्ट में क्या आता है, एसी लगा हुआ आएगा। यानी कि एसी जहां पे हो वो मान लेना उसकी क्या है, फैमिली है, ठीक है। तो हमारा डिवीजन है थेलोफाइटा, सब डिवीजन है सेवाल,
क्लास हमारी है फियोफाइसी, यानी हमें पता है फियोफाइसी कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का शैवाल है वो पाया जाएगा, इसलिए इसकी क्लास है वो हमने कैसे रख दी, फियोफाइसी के रूप में रखी। फिर इसके ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि एक्टोकार्पेलस, ठीक है। उसके बाद में फैमिली होगी, तो फैमिली के बाद में देखिए एक्टोकार्प, यहाँ पे पता है एक्टोकार्पस, यहाँ पे भी एक्टोकार्पस लिख दे, लेकिन एसी लगा देंगे, तो एसी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पेसी, एसी लास्ट में आ गया, तो वो हमारी क्या है, फैमिली है। उसके बाद में जीन है, तो वो कौन सा है, एक्टोकार्पस है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फियोफाइसी क्लास का एक सदस्य है जो क्या है, एक्टोकार्पस है, जो क्या है इसका जीन है। कितने जीन इंडिया में पाए जाते हैं, वो है हमारे 32 जीन, ठीक है। अब ये जीन है हमारा एक्टोकार्पस, फैमिली है एक्टोकार्पियसी, क्लास है फियोफाइसी और डिवीजन है हमारा थेलोफाइटा, ठीक है। अब इनके बाद में हमें क्या करना है, डिवीजन देख लिया हमने, डिवीजन किस तरह से होता है उनके बारे में बात कर ली, अब हमें देखना है इसका प्राप्ति कहां से होता है। जो ये जीन है एक्टोकार्पस, इसको देखना है कि प्राप्त कहां से होता है। जो फियोफाइसी था तो वो तो समुन्द्र जल में भी पा रहा था, ठंडे स्थानों पर भी पाया जा रहा था, और उसके बाद में ये शिलोद्भिद स्थानों के ऊपर भी पाया जा रहा था, और ये अधिपादप होते हैं वहां पर भी हमें मिल रहा था। तो अभी उनमें से देखना है कि एक्टोकार्पस है वो कहां मिलता है, उनके बारे में हम बात है वो करेंगे। तो बात करते हैं एक्टोकार्पेसी आर्प के ऊपर कि इनका एक्टोकार्पस है यानी कि फियोफाइसी का वो कहां मिलता है, इनकी प्राप्ति स्थान है वो कहां होती है। तो फियोफाइसी के बारे में तो हमने देख लिया था, अब उन्हीं स्थानों में से हमें एक स्थान चुनना है जहां कौन होता है, एक्टोकार्पस है वो पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब एक्टोकार्पस के बारे में कि एक्टोकार्पस का प्राप्ति स्थान है वो हमें कहां देखने को मिलता है। तो देखिएगा प्राप्ति स्थान के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनकी प्राप्ति स्थान कहां होगा, ये हमें कहां पर मिलेगा एक्टोकार्पस, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो हमारी फैमिली है, क्लास है फियोफाइसी, वो ठंडे स्थानों पर भी पाया जा रहा था, इसके कारण यह एक विश्वव्यापी शैवाल है जो कहां मिलता है, ध्रुवीय और ठंडे स्थानों के अंदर पाया जाता है। एक्टोकार्पस है वो क्या है, विश्वव्यापी शैवाल है, विश्वव्यापी ये क्या है, शैवाल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला विश्वव्यापी शैवाल है, और उसके बाद में क्या होगा, ये कहां मिलेगा हमें, ठंडे स्थानों में, ठंडे स्थानों, और कहां ज्यादातर ठंडे स्थान कहां होते हैं, जो ध्रुवीय स्थान होते हैं वहां पर मिलता है, ध्रुवीय स्थानों पर पाया जाएगा, यानी जहां का टेम्परेचर माइनस में 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस रहता है वहां पर क्या मिलेगा हमें, एक्टोकार्पस है वो पाया जाएगा, यानी ठंडे स्थानों पर भी मिलेगा और इसके साथ साथ ध्रुवीय स्थानों के ऊपर भी पाया जाता है। अब देखिए इसका मुख्य भाग होता है ना, वो कहां मिलता है हमें ज्यादातर मात्रा में, कहां मिलेगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ, उसके पास में मान लीजिए महासागर, प्रशांत महासागर के पास में कैसे मिलता है, गुच्छों में पाया जाता है, कौन पाया जाएगा, एक्टोकार्पस, तो कैसे मिलेगा, गुच्छों में पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पाया जाएगा हमें, कि प्रशांत महासागर के पास है वो गुच्छों के अंदर पाया जाएगा, ठंड स्थानों पर होता है, इसी के साथ साथ ये क्या होगा, ध्रुवीय स्थानों के अंदर भी ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राप्ति स्थान देखिए कितना चेंज हो गया इसका, वो ज्यादातर भारतवर्ष में ये कहां मिलता है, समुद्री तट होते हैं या फिर पथरीली चट्टाने होती है वहां पर पाया जाता है। प्रशांत महासागर के पास में मिलेगा, इसका मतलब ये कहां होगा, ज्यादातर भारत की बात करें हम कि भारत में हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये भारत में समुद्र के किनारों पर, कहां मिलेगा, समुद्र के किनारों पर। ये तो ठीक है, ये बात कर ली कि प्रशांत महासागर के पास गुच्छों के अंदर पाया जाएगा, लेकिन ये ज्यादातर कहां मिलता है, प्रशांत महासागर के पास भी मिलेगा, लेकिन कुछ इस जीन के कुछ जातियां हैं
जो कहाँ मिलती है, समुद्र के किनारों के ऊपर भी मिलती है, और कहाँ मिलती है, चट्टानों पर चिपकी हुई भी पाई जाती है, चट्टानों पर क्या होती है, चिपकी हुई भी पाई जाएगी। तो ये चट्टानों पर चिपकी हुई पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैलोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। जो चट्टानों पर चिपकी हुई पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शैलोद्भिद के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देख लिया कि ये क्या होती है, चट्टानों पर चिपकी होने के कारण इसे शैलोद्भिद क्षेत्रों में भी पाई जाती है, समुद्र के किनारों पर भी मिलती है, ठंड स्थान जहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो वहां पर होते हैं, लगभग माइनस में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर भी इस एक्टोकार्पस की कुछ जातियां हैं वो पाई जाती है। अब ज्यादातर जातियां होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, ठंड स्थानों में और प्रशांत महासागर के पास में। लेकिन एक्टोकार्पस की एक या दो ही जाती हैं जो क्या होती है, शैलोद्भिद होती है, यानी चट्टानों के ऊपर चिपकी हुई पाई जाती है। ठीक है, ये तो थी हमें प्राप्ति स्थान के बारे में कि इनका प्राप्ति स्थान था कि वो कहाँ कहाँ होता है, उनके ऊपर है वो बातें की, यानी विश्वव्यापी है, ठंड स्थानों पे ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अब देखते हैं कि इनका जो थेलस की संरचना बनती है, जो थेलस का संगठन बनता है, कि वो एक कोशिकीय होते हैं, बहु कोशिकीय होते हैं, पेरेनकाइमेटस यानी पेरेनकाइमा कोशिका का बना होता है, या फिर वो विषम तंतु की होता है, तो उनका निर्माण हमें देखना है कि वो किस तरह से होता है। तो अब हम बात करेंगे इनके प्राप्ति स्थान के बाद में, अब हमें देखना है कि इनकी संगठन कैसे होगा, कि इनका संगठन है वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, तो उनके ऊपर है वो बातें हैं वो हम करेंगे। तो देखते हैं अब इनके अगला भाग थेलस की संगठन के ऊपर, प्राप्ति स्थान के बारे में बातें करें, अब इसके संगठन के ऊपर बात करेंगे कि इसकी थेलस की संरचना है वो कैसे देखने को मिलेगी, यानी कि थेलस के बारे में, थेलस की संरचना। तो देखते हैं थेलस की संरचना है वो किस तरह से हमें दिखाई देगी, किस तरह से बनती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो थेलस है वो क्या है, एक विषम तंतु की पाया जाता है, यानी कि ये क्या होगा, थेलस है वो विषम तंतु का बना होगा, विषम तंतु की होता है थेलस है वो क्या है, विषम तंतु की है। ठीक है, अब थेलस है वो विषम तंतु की है तो ये कितने भागों में, दो भागों में पाया जाएगा, एक तो इसका अग्र भाग भी होगा और दूसरा भाग कौन सा होता है, पश्च भाग भी पाया जाता है। तो विषम तंतु की होता है वो एक कौन सा होगा, अग्र भाग होगा, अग्र भाग, तथा दूसरा रीजन कौन सा होता है, पश्च भाग बोल दीजिए, या इस भाग को हम क्या बोलते हैं, श्यान भाग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो अग्र भाग ये कौन सा है हमारा, अग्र भाग है, और दूसरा भाग कौन सा है, पश्च भाग, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, श्यान भाग के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब देखिए श्यान भाग यानी जो पश्च भाग है ना, वो क्या करता है, भूमि के अंदर दसा हुआ पाया जाएगा, श्यान भाग, श्यान भाग कहां होता है, भूमि में दसा हुआ मिलता है, दसा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो ये श्यान भाग क्या होगा, दसा हुआ पाया जाएगा, दसा हुआ पाए जाने के कारण ये क्या करता है, सेवाल का या थेलस का आधार बनाता है, क्या करता है, थेलस का आधारीय भाग का निर्माण करता है, आधारीय भाग का क्या करता है, ये निर्माण करता है, कौन करता है, श्यान भाग, यानी कि जो पिछला भाग है, यानी थेलस बना है, जो थेलस बना है वो दो भागों में बना, एक भाग को अग्र भाग बोलते हैं और दूसरे भाग को पश्च भाग बोलते हैं। पश्च भाग है वो क्या होता है, भूमि के अंदर दसा हुआ पाया जाता है, भूमि के अंदर मिलेगा, तो भूमि के अंदर दसा हुआ पाए जाने का कारण क्या होगा कि वो आधार बनाएगा, कि उसे शैवाल को तूफान आंधियों से रक्षा करता है,
और एक मजबूती प्रदान करता है भूमि में धंसा हुआ होगा। अब देखिए ये पश्चान भाग है या पश्च भाग है, वो क्या काम कर रहा है, रूट की तरह काम कर रहा है, यानी जड़ की तरह काम कर रहा है, तो ये थैलस का आधार बनाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये शान भाग या पश्च भाग है जो रूट की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये शान भाग है वो क्या हो जाता है, अत्यधिक शाखित हो जाता है, और शाखित होने के कारण ये किस में चेंज हो जाता है, मूलाभास में चेंज हो जाता है। बात कर रहे हैं शान भाग, अब देखिए पश्च भाग होता है वो क्या होता है, आधार बनाता है, शान भाग अत्यधिक शाखित होने के कारण क्या होगा, अत्यधिक शाखित होने के कारण, शाखित होने के कारण कारण ये किस में बदल जाता है, मूलाभास में परिवर्तित हो जाता है, मूलाभास में परिवर्तित, मूलाभास में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमें मूलाभास के अंदर परिवर्तित है वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूलाभास में परिवर्तित हो गया तो कुछ जातियां हैं में मूलाभास क्या होता है, अंतःपादपीय होता है, यानी श्वसन की शाखाएं भी निकली होती है, एक दूसरे से पंक्ति के अंदर भी पाई जाती है। देखिए कुछ भागों के अंदर मान लीजिए मूलाभास शाखित हो गया, अब ये शाखित हुआ है तो कुछ पौधों के यानी कुछ जातियों के अंदर क्या होता है, एक पंक्ति में पाई जाती है, तो यहां पे लिखेंगे कि कुछ जातियों में, कुछ जातियों में मूलाभास, मूलाभास क्या होता है, अशाखित होता है, या क्या हो जाता है, अशाखित होता है, या फिर वो क्या होता है, पंक्ति में पाया जाता है, क्या होगा, पंक्ति में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए संरचना की बात कर रहे हैं हम, तो संरचना के अंदर हमें यही देखना है कि विषम तंतु की है, अग्र भाग पश्च भाग है, शान भाग है वो भूमि के अंदर दशा हुआ मिलता है, और दशे हुए मिलने के कारण इनके अंदर क्या हो जाता है, मूल भाग बन जाता है, जिसे हम रूट कहते हैं, वो शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है, और पंक्ति में भी पाया जाता है। ठीक है, अब पंक्ति में भी पाया जाता है तो देखिए कुछ जातियों की शाखाएं हैं वो सिरे क्या हो जाते हैं, रंगहीन होते हैं, तो बात करें यहां पर कि कुछ जातियों के या कुछ जातियों के सदस्यों में जो सिरे होते हैं, कुछ जातियों के सदस्यों में सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोम कहते हैं। यानी कि अग्र भाग के कुछ सिरे यानी पश्च भाग के कुछ सिरे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, इन्हीं नुकीले होने के कारण इन्हें हम किस नाम से जानेंगे, रोम के नाम से जानते हैं। अब ये रोम है वो क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावित करती है, तो यहां पे देखिएगा कि रोम श्लेष्मा का, रोम श्लेष्मा को स्रावित करती है, यानी कि रोम है जो नुकीला स्ट्रक्चर बनी है बाहर की तरफ, एक नुकीले आकार की संरचना बनी है जो क्या कहलाती है, रोम श्लेष्मा को स्रावित करती है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो नुकीला स्ट्रक्चर बने, कुछ शाखाएं हैं जो रूट है वो क्या हो जाती है, मूलाभास का भी निर्माण करती है, नुकीली हो जाती है, रोम हो गया, और रोम अब क्या करेगा, श्लेष्मा का स्रावित करना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर हमने देखी इसकी कि कोशिका की यानी जो थैलस की संरचना है वो किस तरह की पाई जाती है, उनके ऊपर है वो बातें हमने की। तो अब देखेंगे थैलस की संरचना के बाद में इसकी कोशिका की संरचना होती है वो कैसे होती है, अब किसके बारे में बात करेंगे, इसकी कोशिका
कोशिका की संरचना के ऊपर है, वो बात करेंगे कि कोशिका की संरचना किस तरह की पाई जाती है। तो यहां पर तो हमने थैलस के बारे में पढ़ा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं कि कोशिका किस तरह की बनी होती है, कोशिका की आकृति क्या क्या होती है, फिर कोशिका की संरचना के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में थैलस की संरचना का भी निर्माण करेंगे कि हमें दिखाई दे नुकीला हिस्सा कौन सा है, पश्च भाग कौन सा है और रोम रीजन क्या अनुसार भाग कहलाता है, उनके ऊपर भी बात है वो करेंगे। तो हमारे पास अब बात करते हैं हम इसकी कोशिका की संरचना के ऊपर कि इनकी कोशिका की संरचना होती है वो कैसी होगी। तो होगी, अब देखते हैं कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना के ऊपर है वो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोशिका की संरचना होती है, कोशिका क्या होती है, एक केंद्र की होती है। कोशिका एक केंद्र की होती है। ठीक है, कोशिका होती है वो क्या होती है, एक केंद्र की होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, दो परतों की बनी होती है। कोशिका की भित्ति क्या होती है, दो परतों की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका की भित्ति होती है वो क्या होती है, हमें दो परतों की दिखाई देती है, इनकी भित्ति होती है वो दो परतों की बनी होती है। हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया था कि बाहरी परत होगी और दूसरी कौन सी होगी, अंतः परत होगी। ठीक है, दो परतों की बनी होती है, बाहरी परत होती है और अंतः परत होती है। बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। ठीक है, और जो अंतः परत होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि बाहरी परत जिलेटिन की, अंतः परत होती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कि पेक्टिन है, उनके दो प्रमुख मुख्य भाग घटक पाए जाते हैं जिन्हें हम एक तो बोलते हैं एल्जिन और दूसरे को बोलते हैं फ्यूकोएडिन। यानी कि एक तो होता है हमारा एल्जिन और सेकंड भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोएडिन। क्या है, दो प्रकार के घटक हैं, जिलेटिन बाहरी परत है वो दो प्रकार के घटकों की बनी है। फर्स्ट है हमारा एल्जिन और सेकंड पार्ट है फ्यूकोएडिन। ठीक है, अब देखिए जिलेटिन और फ्यूकोएडिन दो भागों में उपस्थित होता है। इन पदार्थों की उपस्थिति फियोफाइसी वर्ग की कोशिका भित्ति की विशिष्ट लक्षण है। कैसे लक्षण है कि सभी में देखा था फियोफाइसी के अंदर, या क्लोरोफाइसी की बात करें या जेंथोफाइसी के ऊपर बात करें, तो जिलेटिन भी पाया जाता है, सेलुलोज भी मिलता है, लेकिन जिलेटिन के अंदर हमें एल्जिन और फ्यूकोइडिन है वो और किसी भी क्लास में हमें नहीं देखने को मिला। ओनली फॉर हमें यहां पर फियोफाइसी क्लास में ही हमें जिलेटिन है वो एल्जिन और फ्यूकोइडिन के अंदर देखने को मिला। तो ये इसका क्या है कि जिलेटिन दो घटकों में, एल्जिन और फ्यूकोइडिन दो घटकों में पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा फ्यूकोइसिन का भाग है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या है, फ्यूकोइसिन का भाग है। और भीतरी भाग है, यानी भीतरी भाग पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि अंतः भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अंतः भित्ति सेलुलोज की बनी होने के कारण जिलेटिन है उसकी, वो भी क्या होता है, डबल लेयर की पाई जाती है। दो उसके अंदर क्या होंगे, म्यूकोपर, यानी कि एक तो होगा एलिजिन और दूसरा कौन सा होगा, फ्यूकोइडिन। और जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या होगा, कोशिका द्रव्य है वो भी घिरा हुआ रहेगा।
तो हम यहां में मानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या रखेगी, जो यहां पे कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना उसको क्या है, घेरे हुए रखती है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका द्रव्य को क्या करेगी, घेरे हुए रखेगी। इसी के साथ फिर हम बात करते हैं आगे कि पैक्टीन की भी पाई जाती है, दो प्रमुख हो गए, क्रोमेटोफोर भी हो गए। इनका केंद्रक होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये भी बात देख लीजिए कि यहां का जो केंद्रक हमें देखने को मिलेगा, जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। यानी द्विगुणित का मतलब वो केंद्रक कैसा होगा, 2n स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाएगा। तो क्रोमेटीन के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, द्विगुणित का पाया जाता है। और इसका क्या होता है, कोशिका द्रव्य है वो क्या होगा, अनियमित प्रकार का होगा। यानी कोशिका द्रव्य की बात कर रहे थे हम कि कोशिका द्रव्य वो क्या होता है, अनियमित प्रकार का पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य अनियमित प्रकार का होगा तो वो कैसा स्ट्रक्चर रखेगा, या तो वो क्या रखेगा, बिंबाकार आकृति भी रख सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि कोशिका है वो एक केंद्र की होता है, दो परतों का बना होता है, बाहरी परत होती है वो जिलेटिन की पाई जाती है, अंदर की परत होती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। तो जिलेटिन की परत है वो दो भागों में बंटी हुई पाई जाएगी, एल्जिन और फ्यूकोइडिन। ये एल्जिन और फ्यूकोइडिन है ना, ये एक किसका, फियोफाइसी का, फियोफाइसी क्लास का एक करेक्टर्स है बहुत बड़ा। अगर आपको ये बोल दे कि जिलेटिन दो भागों में बंटी हुई पाई जाती है तो वहां पे ये देख लेना कि वो कौन सी क्लास है, फ्यूकोफाइसी है। क्योंकि ओनली फॉर फ्यूकोफाइसी के अंदर ही जिलेटिन दो भागों में या दो वर्णकों में बंटी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि कोशिका की संरचना है उसके बारे में, कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है वो अनियमित प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहां पे देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होगा, क्लोरोफिल है वो ए भी होगा और साथ में क्या होगा, सी प्रकार का भी क्लोरोफिल पाया जाएगा। ए प्रकार का और साथ में सी प्रकार का क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। इसी के साथ साथ ही यहां पर सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन। क्या देखने को मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन है ना वो क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन सर्वाधिक मात्रा में हमें पाया जाएगा। फ्यूकोफाइसी का सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इसी के कारण ये हमें क्या दिखाई देता है, भूरे रंग का एवाल, यानी कि भूरे रंग की सेवाल है वो हमें यहां पर दिखाई देता है। यदि फ्यूकोजेंथिन यहां पर सर्वाधिक मात्रा में ना पाया जाए तो ये क्या होगा, सेवाल भी है वो भूरे रंग का हमें दिखाई है वो नहीं देता है। अब हमने देखा कि कोशिका द्रव्य है वो क्या होगा, अनियमित प्रकार का होगा, उसके अंदर कौन केंद्रक होगा वो एक कोशिकीय होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने बातें हैं वो की। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य की संरचना के ऊपर कि इनकी संरचना है वो हमें किस प्रकार की दिखाई देती है, यानी किस तरह की संरचना है वो पाई जाती है। चलिए बात करते हैं कोशिका संरचना के ऊपर कि कोशिका संरचना का निर्माण करते हैं कि किस तरह की कोशिका संरचना है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए कोशिका संरचना के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए कोशिका की जो संरचना है उसकी आकृति है वो किस तरह की पाई जाएगी, इस तरह की संरचना है वो हमें देखने को मिलेगी। एक स्ट्रक्चर ये रही, उसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से निर्माण हुआ उस स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ यहां पर, यहां हमें तीसरी स्ट्रक्चर का भी निर्माण देखने को मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहां से चले स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में यहां से हम स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में यहां पर हुआ। ये हमारी एक संरचना बनी है किसकी, फ्यूफाइसी के एक्टोकॉर्पस की।
फियोफाइसी के एक्टोकोर्पस की, क्योंकि ये डबल लेयर की बनी होती है, ये कोशिका सेल वॉल है। कौन सी है? सेल वॉल, जो किसकी बनी है? बाहर की पेक्टिन की बनी है और अंदर की लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इस तरह की आकृति है वो हमें इस तरह की देखने को मिलेगी, यहां भी इस तरह की आकृति, और यहां पर भी हमें क्या होता है, इस तरह की अलग अलग आकृति है वो इसे देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर हमें आकृति देखने को मिली, इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, हमें क्रोमेटोफोर है वो देखने को मिलेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर यहां पर भी क्या होगा, कुछ पॉइंटों के अंदर ऐसे रीजन भी पाया जाएगा, यहां पर भी होगा। यहां पर भी ये रीजन होगा और यहां पर भी हमारे पास क्या होता है, ये रीजन है वो पाया जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वो बनी है हमारी एक्टोकार्पस की, कि एक्टोकार्पस की संरचना वो कैसे बनती है उनके बारे में हमने देख लिया। अब देख लिया एक्टोकार्पस के अंदर क्या होता है, जो ये रीजन पाया जाता है यहां का ब्लैक कलर का, वो कौन सा रीजन है हमारा, साइटोप्लाज्म रीजन है। कैसा रीजन है? साइटोप्लाज्म का ये रीजन है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये बाहर की सेल वॉल आ गई, और जो ये बीच का जो ये रेड कलर की पॉइंट दिख रही है, ये कौन सा है, क्रोमेटोफोर। कौन सा रीजन है ये क्रोमेटोफोर का रीजन है। ठीक है, ये क्रोमेटोफोर का रीजन आ गया। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर और बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पाइरिनोइड के नाम से जानते हैं। यहां की स्ट्रक्चर है उन्हें हम क्या जानेंगे, पाइरी नोड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर बनी है, उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, एक्टोकार्पस की सेल की संरचना के बारे में हमने बात कर ली। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसकी वृद्धि के बारे में बात करेंगे, वृद्धि के साथ साथ भी वहां पे पढ़ेंगे हम इसका रिप्रोडक्शन, जैसे कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एक्टोकार्पस में कौन सा जनन पाया जाएगा, उसके ऊपर भी हम वो बातें करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।